हाय बडीज, आज है मेरे पास ये मैजिकल वाटर पेंटिंग पेन। तो मैंने इसके रील्स एंड शॉर्ट्स काफी देखे एंड मुझे पता है कि आपके भी सामने इसके रील्स एंड शॉर्ट्स काफी आए रहेंगे। तो मेरे दिमाग में यही एक सवाल आ रहा था कि भाई ये सच में काम करता भी है या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि ये एग्जैक्टली मतलब कितना सही है या नहीं काम कर रहा है, क्या है, देखते हैं सारी डिटेल्स को। इसे मैंने खुद ने मंगवाया है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दैट इज व्हाई आपको ऑनेस्ट रिव्यू जानने मिलेगा इस वीडियो में। ये आपको नॉर्मल पैकिंग में डिलीवर होते हैं एंड अंदर से ऐसे सीधे यू नो मतलब बाहर आ जाएंगे, तो इसमें ऐसी कोई स्पेशल कोई पैकिंग आती नहीं है। नाउ सेकेंडली, मैंने इसे खुद ने मंगवाया है तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ओके। सो दैट्स व्हाई आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देखने मिलेगा। यहाँ इट्स मेंशन मार्क का व्हाइट बोर्ड ना, देख सकते हो कि एवरीथिंग इज रिटन इन चाइनीज हियर, तो आपको हर एक का एक यू नो जैसे ये चाइनीज में लिखा हुआ दिखेगा। फॉर व्हाइट बोर्ड ग्लास एंड बाकी सारी चीजें लिखी हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए गए हैं, मतलब आपको बताया जाता है कि इसे आप कैसे यूज कर सकते हो। अब इसमें 12 समथिंग लिखा है बट एक्चुअली इसमें 11 पेन्स आती है या 11 मार्कर्स आते हैं एंड स्पून भी अंदर आ जाती है। पीछे की तरफ देखें तो कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल ट्रांसपेरेंट पैकिंग है, दैट्स इट। इसे ओपन करने के लिए ये काफ़ी इजी है एंड अच्छा भी है कि ऐसे लॉक दिया हुआ है, क्योंकि इससे यू नो बच्चे जब इसे यूज़ करें तो वापस अंदर रख सकते हैं पेंस को, एंड विच इज़ रियली नाइस। एंड अब चलिए इसे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसके अंदर आपको स्पून इस प्रकार की मिलती है, इसी पे आपको एक्चुअली ड्रॉइंग करनी है। इसको मैंने एक्चुअली साइड में कर दिया है एंड आपको ये वाली स्पून देख के पहली चीज ये यार आई होगी कि यार अपने घर पे भी तो मेलेमैन की ऐसी वाली स्पून पड़ी होती है, तो मेरे पास ये है एंड ये थोड़ी सी वेयर एंड टेयर की वजह से ऐसी हो गई है, बट नेवरदलेस इन दोनों पे हम ट्राई करेंगे कि भाई यू नो ये मार्कर्स कैसे काम करते हैं। तो ये पैकेट को हम यहीं पर छोड़ देते हैं एंड लाते हैं बाउल को। अब दोस्तों इसके लिए जो बाउल आप यूज करो ना, ये जनरली ऐसा व्हाइट वाला यूज कीजिए, इससे काफी मतलब बढ़िया दिखता है यार अगर आपने किसी यू नो ड्रॉइंग को ऐसे अंदर छोड़ा तो। तो अब एक हार्ट बना लेते हैं। मैंने पिंक कलर का स्केच पेन ले लिया मेरे हाथ में एंड इससे पहले आप खोल दे, इसका जो लॉक है ना ये मस्त है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई नोटिस्ड, काफी बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब यू नो आपके बच्चे इसे इजीली अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगेन बता देता हूँ दोस्तों, मेरी ड्रॉइंग ठीक है तो भाई क्या करें, अब ड्रॉइंग में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, राइट। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो, एक आपने जैसे कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आपको सिंपली क्या करना है, ज्यादा वेट नहीं करना है, बिल्कुल सूखने की कोई वेट मत करो एंड सिंपली आप इसे इस तरीके से पानी में ले जाओ। थोड़ा सा कैमरा और नजदीक कर देता हूं As you can see, धीरे 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 बस। तो ऐसे आप ध्यान रख के अगर आप करें तो ये आपको इसका मैजिक देखने मिलेगा। सो दिस वॉज वन, कभी भी यूज करने के बाद आप इन पेन्स को ऐसे बंद कर दें, इसमें लिखा है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप इसका जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट मैंने रेड वाली पेन ले ली है, अब इससे चलो कुछ लिखते हैं। आपको और एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जब ये ऐसी गीली हो जाए ना स्पून, तो आपको इसे ऐसे एक बार सुखा देना है ना, सो दैट आप नेक्स्ट जब लिख रहे हो तो आपके लिए वापस ईजी हो जाएगा ये करना। ये बच्चों के लिए काफी बढ़िया एक्टिविटी है, आप देख सकते हो जिस हार्ट को मैंने अभी पानी में रखा है वो काफी अच्छे से तैर रहा है। तो ये देखिए इसे मैंने ऐसे लिखा एंड यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स विद दिस। आपके बच्चों को आपको जो चीजें यू नो ये उनकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने लिखते ही तुरंत मैंने स्पून को ऐसे अंदर डुबाया एंड अरे मेरे भाई ये थोड़ा सा अलग हो गया बट बाकी यू कैन सी कि ऐसे हो रहा है ना। अब इसके साथ इसको टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये वाली स्पून जो मेरे घर पे पड़ी थी ये एक्चुअली मैंने डीमार्ट से खरीदी थी, आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, ये वो थी जो अंदर आई थी एंड इस पे तो आपने देख ही लिया कैसा रिजल्ट है। अब ये वाली स्पून पे एक बार इसे ट्राई कर लें, तो यहाँ पे तो देखिए ये स्पून अच्छी है, ठीक है, तो रिजल्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली, अगर ये काम करता है तो इस एरिया में तो डेफिनेटली काम कर जाना चाहिए। एंड ये मैंने ए एंड बी ऐसे साथ में लिख दिया ताकि अगर ये फ्लोट करे तो हम समझ पाएंगे कि ये अलग से जो स्पून पे हमने बनाया था ये है, ठीक है।
तो इसको भी हमने चलिए तुरंत ही इंसर्ट कर दिया। एंड यू कैन सी कि ये दूसरे किसी स्पून पे काम नहीं करता, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है, जबकि पानी देखिए इसको मैं इजीली मैं टच कर रहा हूँ फिर भी नहीं छोड़ रहा है। हेंस प्रूवन कि ये इस पे काम नहीं करता, बट यस ये साथ में जो स्पून दी गई है इस पे इजीली काम करता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि इस स्पून को कहीं भी घूमने मत दीजिएगा, नहीं तो भाई फिर आपका ये जो इतने सारे जो आपने स्केच पेन्स खरीदे ये कुछ काम के नहीं रहेंगे। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट है कंप्लीट बाय, ये मैजिकल वाटर पेन परफेक्टली काम करता है। आप भी अपने बच्चों के लिए इसे जरूर से मंगवा दीजिए। आपको इन्हें चेकआउट करना ऑनलाइन तो मैंने इसकी बेस्ट बाय लिंक को पिन कमेंट में दे दिया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, मुझे एटलीस्ट कमेंट्स में थैंक्स तो जरूर लिखेगा। मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर पूछेगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि मैजिकल वाटर पेन कैसे काम करते हैं। एंड आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।